स्टेज पर सम्मानित होते हुए पंकज मालवीय। हम लोग अभी जो कोशिश शुरू किए हैं, हम समान विचार के लोग जो भी पर्यावरण के लिए बहुत छोटे छोटे स्तर पे पूरे देश में काम चल रहा है, तो इंडिविजुअल लोग भी कर रहे हैं, हम सबको एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज कहाँ बन पाती है, वो मुद्दा नहीं बन पाता है। तो जो अलग अलग हिस्से में है, जब एक जगह हम होंगे तो उस आवाज को शायद लोग सुन लें। तो हमारी कोशिश है, हमने एक उसको नाम दिया है नेचर नेटवर्क का, और नेचर के लिए काम करने वाले इंडिविजुअल्स वो भी हमारे साथ हैं। अभी हम लोग 5-6 मीटिंग उसकी कर चुके हैं, उत्तराखंड हर स्टेट वाइज करके, अब उसको नेशनल वाइज राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और हम तमाम आप साथियों से आग्रह है कि उस नेटवर्क पे आप अगर किसी संस्था के साथ जुड़ते भी हैं तो भी इंडिविजुअल है तो भी हम लोग एक साथ एक पहल शुरू करें, ताकि वो पर्यावरण एक मुद्दा हो। बता रहे कि हम अनुभवों का लाभ उठाना नहीं चाहते, ज्ञानी इतने हो गए हैं, सबके पास ज्ञान है और ज्ञान देने में ही ज्ञान का लाभ उठाना नहीं चाहते। मान लीजिए कि भाई अनिल जोशी ने 25 साल तपस्या की और उनके पास कोई सोच आया और उसका परिणाम क्या हुआ, हम ये उस परिणाम से आगे की सोचते रहते हैं। भाई अनिल जोशी ने कैसे किया, ऐसे कैसे हो सकता है, अब फिर 25 साल के लिए उनके। तो हम ये चाहते हैं कर्नाटक साहब ने जो तपस्या किया, जो सोच है अनिल जोशी साहब जैसे लोगों ने जो तपस्या की, जो उसका परिणाम आया, उसको उसका लाभ उठा के उसके आगे का सफर देता है। ये सामान्य बुद्धि से सोच के नहीं होता। तो अब ज्ञानी बनने से ज्यादा अच्छा है कि ज्ञानी लोगों के अनुभव का लाभ उठा के हम वहां से आगे का सफर तय करें, तभी समाज अच्छा हो सकता है। इस क्रम में हम लोग देखे होंगे, मेरी भी उम्र लगभग 60 की हो गई है, हम लोगों के बाप दादा जो मैंने परंपरा से ज्ञान आता था उसको लेके जब हम आगे बढ़ते थे, पिताजी से पूछ रहे थे ऐसा क्यों हुआ। अब आज के बच्चे तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कभी अपने पिताजी से पूछे ही नहीं कि कैसे वहां करना है, उन्होंने तपस्या की है, अब कोई बहुत बड़े बड़े महात्मा थे शंकराचार्य समाज के, तो हम उनके ज्ञान को लेके आगे बढ़ते हैं। अब शंकराचार्य ने ये गलत कर दिया, बोली को हम छोड़ गए अपने सामान्य बुद्धि। तो ज्ञानी बनना बंद करना, और जो ज्ञान ज्ञानी लोग बता रहे हैं उसके आगे हम लोग फॉलो करके आगे बढ़े, तो हम इसी में विश्वास करते हैं। और कर्नाटक साहब का भी प्रयोग हम बहुत अच्छा मानते हैं उनका जो था, और हम कहीं मिले थे, बहुत किसी मंत्री उत्तरी के यहाँ मिले थे, हम लोग बातचीत में जब तय हुआ, जब ये सब सोचे सेवन हैबिट्स समाज के लिए और बच्चे के लिए, इनका ये वाला हमको इतना ये हुआ कि हम सबसे मिल के बात करके बोले कि कहीं एक जगह इसका प्रयोग शुरू करते हैं। वैशाली गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ जगह है, वहां के बच्चे अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये जय लड़का है वो कर रहा है, और भी बहुत सा काम है। तो आने वाले दिन में हम लोग नेचर नेटवर्क को आगे ले जाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और पर्यावरण को लेके जो आवाज है वो सामूहिक तौर पे लोगों को सुनाई देने लगे, ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।